हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ विद डॉलीमा। आ चुकी हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तो व्लॉग को शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर। आज मैं इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ मेरे हस्बैंड का जो सिक डेट था उसका। आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से लेके दोपहर तक में मैंने कैसे डे टू डे मील सेट किया था उसका एक वीडियो शेयर करूंगी। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पपाया लीफ का जूस निकाला हुआ है 2 to 3 टेबल स्पून। कोई भी फीवर अगर हो, हम लोग ऐसा जानते हैं कि 2 to 3 स्पून पपाया का जूस पीने से बुखार जो है जल्दी उतरता है। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ फ्रूट्स, इतने सारे फ्रूट्स कट करने के लिए, क्योंकि ये जो होता है, ये वाले जो नींबू होते हैं ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो विटामिन सी का आपको कोई भी फ्रूट रखना अपने डाइट में ज़रूरी होता है। तो अभी हस्बैंड सिक है तो उनके लिए मैं इन सारे फ्रूट्स और इधर ये एप्पल मैंने कट करके रख के उनको दी। मैं फल लेके बैठ चुकी हूँ, सारे टोटल फल्स को काट लेने हैं। ऐसे टाइम पे हमें कोविड हो या फिर ना हो, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आप अपने डाइट में शामिल करें तो बहुत ही अच्छा है। और अभी जेहेतु मेरा हस्बैंड बीमार है तो उनके डाइट में मैंने बहुत सारा फ्रूट्स ऐड किया, जैसे अनार हो गया, एप्पल हो गया, पियर्स हो गए, पपाया हो गया और ये विटामिन सी से भरपूर ये नींबू। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, तो फीवर था उन्हें 100 के आसपास। तो हम लोग डर चुके थे कि ये कोरोना है या फिर क्या है, तो हम लोगों ने उनको आइसोलेशन पे रख दिया था क्योंकि हम लोगों ने कोविड का कोई टेस्ट नहीं करवाया था। और अभी जो हो रहा है, कोविड का टेस्ट करने से ही पता नहीं क्यों सारे रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं एज अ सिम्टम नहीं होने के बावजूद। तो हम लोग 2 दिन देखने के बाद हम लोगों ने देखा कि फीवर और आ नहीं रहा है, ऐसे कोई कोविड का सिम्टम्स भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने 14 डेज आइसोलेशन करके इस केस को बंद कर दिया। तो ये है सारे फ्रूट्स। इसके बाद कर ले रही हूँ मैं घर की क्लीनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने आइसोलेशन मेंटेन किया था तो एक रूम बंद है, अभी हम लोग सबको यही रूम पे सोते हैं। तो अभी मैं और मेरी बेटी ये सोफे पे सोते हैं। तो ये सोफे पे मैंने बिछाया है ये प्लास्टिक का शीट, उसके ऊपर ये बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। ऐसे ही करके हम लोग इस बेड में एडजस्ट करके सोते हैं क्योंकि आइसोलेशन पीरियड तो ज़रूरी है, क्योंकि बेबी छोटी है अभी। अगर नॉर्मल वायरल फीवर भी होता है तो एक दूसरे में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो उधर मैंने अपने बेटी का छोटा सा केथा बिछा दिया है और सारे पिलोज को मैं रख ले रही हूँ। हालांकि यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन एडजस्ट करके सोना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है हमारा अभी का फाइनल लुक बेड का। यहीं पे हम दोनों बैठते हैं, सोते हैं, दिन हो या रात हो। सुजाना जब अपना नैप भी लेती है तो यही बेड में लेती, यही सोफे में लेती है। तो आप देख सकते हैं ये सोफ़ा कुछ ऐसा है। उसके बाद 11:30 होने के बाद, आफ्टर फ्रूट ख़त्म करने के बाद, तो ये काढ़ा टाइम चलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ काढ़ा देने। आप देख सकते हैं रूम टोटली लॉक्ड है, ये रूम जो लॉक्ड है इसी में। काढ़ा देने के बाद 12:30 को हो जाता है लंच का टाइम। लंच पे बना है प्लेन तूर या फिर अरहर की दाल और प्लेन राइस। और यहाँ पे लिया है अंडा बॉयल ताकि बॉडी में हीट एक मेंटेन रह पाए, इसीलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ दोपहर के लंच में एक बॉयल्ड एग देने का। उसके बाद यहाँ पे 2 प्रकार की सब्ज़ी दिए जाएंगे, जैसे पपीता गाजर का एक सब्ज़ी बना हुआ है जो
मैं ये सर्व कर रही हूँ। और एक सब्जी जो होगी वो कैप्सिकम आलू का फ्राई टाइप्स, तो इसे भी मैं थोड़ा सा इसमें दे रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने आलू का चोखा बनाया था, उसको भी राउंड शेप में करके इस थाली में हम लोग सजा दे रहे हैं। तो ये लंच की थाली टोटली रेडी हो जाएगी। और खाना कोशिश करें कि ऐसे समय पे फ्रेश और गर्म होना चाहिए। तो देखिए रेडी हो चुका है लंच का थाली लंच का थाली। हम लोग का भी लंच होने के बाद आप देख सकते हैं सुजाना बाहर टहल रही है, उसको थोड़ा बाहर घूमने का मन किया है तो इसलिए मैंने उसको बाहर निकाल दिया है, वो अच्छे से टहल रही है। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग में मैंने कुछ खास शेयर नहीं किया है, किसी हस्बैंड का सिक डे का रूटीन में से मैंने कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है। मिलते हैं और एक नए अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, घर में रहिए। बाय बाय।